आज का सुविचार पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग पापा, मंडे का दिन रहने का, बहुत अच्छा दिन रहने का। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया है ना? सुविचार बोल दीजिए। आज का सुविचार है, आपकी उपस्थिति से कोई भी व्यक्ति स्वयं का दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की विशेषता है। वाह भाई वाह। अगर आपकी उपस्थिति से आप किसी का दुख मिटा सकते हो, मतलब कहीं अगर आप खड़े हो और आपके आजू बाजू वाले लोग आपको देख के खुश है, आपकी मतलब प्रेजेंस से खुश है, तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है भाई। बहुत आठ पापा, बहुत जोरदार सुविचार है भाई, है ना? विशेषता मानो के उपस्थिति का सार्थक। समझी गयो। अने अहीं आ लोको डिस्टर्बेंस माटे बैठा छे सवार ना। मैंने ये जो अभी ये जो मैंने क्लिप लिया ना, मेरा तीसरा है चौथा क्लिप था, रीटेक मारना पड़ा, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ ये बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है इन लोगों का। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अत्यारे नो बोबड़े बेटा, तू तू भड़बड़ भड़बड़ बोलते बोलते रे, जो तो बोबड़े जाए छे। ये देखो अभी ऑरेंज या मैंगो डोली वाला जूस पी रहे हैं। येलो डोली वाला। और केजीएफ वो अभी रील चल रहा है इंस्टाग्राम में, आप देख लो। ये जो बच्चा है ना, बहुत कॉमेडी है। नाश्ते में आज कुछ वैसे ज्यादा लग नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पार्ले जी ही खाते हैं। गुड मॉर्निंग सारिका। वेरी गुड मॉर्निंग। बधा को करशे या कोण करशे? चलिए, तो आज सोमवार का दिन बहुत अच्छा दिन, कुछ प्लानिंग चल रहा है, अभी सक्सेसफुल हो जाए तो देखते हैं। महाशिवरात्रि, कल शिवरात्रि है। यस, तो हम सोच रहे हैं कि जो मम्मी स्पेशल है हमारा शक्करिया का खीर, शक्करिया की खीर, वो आज ही बना दे थोड़ी। कल हम बनाएंगे, आज थोड़ी बना दे सैंपल के लिए, ताकि आप लोगों को जो बनानी हो तो आपको आइडिया। चलिए ठीक है, तो महाशिवरात्रि के अवसर के पहले शक्करिया की खीर मम्मी के हाथ की बनेगी, ठीक है? तो रेसिपी आपको दिखाने में आएगी। और आपका क्या प्रोग्राम है केजीएफ भाई? वजन बढ़ते ही जा रहा है, मैं कितना भी खाऊं मेरा वजन घटते ही जा रहा है। टेंशन में रहते हैं ना, टेंशन वाला धंधा है ना। और पापा बोलिए, कल वाड़ी पे गए थे तो क्या करके आए हो? हाँ, कल वाड़ी गए था, चक्कर काट के आया, मजा आया। बता, ऑल गुड है? सब कुछ गुड है। और धीरू भाई गाड़िया आयाला, नरसी भाई आयाला, तो शिरडी में आटा फेरा मारा। अच्छा, सब ठीक ठाक है। वेरी गुड वेरी गुड। और कांति को जो थोड़ा कुछ खर्ची देना था वो दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। तो कल सक्सेसफुल संडे रहा आपका? सक्सेसफुल संडे रहा। और बैंगन लेके चला आया। बैंगन तो मतलब आप इतने लाए हो। तो जी, सुबह के बज चुके हैं 10:45 और मम्मी आ चुकी है घर पे। सारी का तो आई नहीं है, पता नहीं कहाँ गए थे ये लोग, मुझे बोले भी नहीं, निकल गए थे। मम्मी कहाँ जाके आए हो आप लोग, बता दीजिए। सारिका को कपड़ा लेना था ना, थोड़ा कपड़ा लेने का था। हाँ। तो बहुत ज्यादा ले रहे हो आजकल आप, नकरा कपड़ा नहीं है, ज्यादा लिया नहीं। हाँ। दो ही लेके आया। दो ही लेके आया है। और ये क्या बन रहा है आज सुबह जो बोला था वो निकल रहा है शक्करिया? किसी ने बोला था ना। हाँ। कि अगले दिन बनाओ तो दिखा देना रेसिपी। इसीलिए बटेटा ने, बटेटा जैसे बाप दिया, बटेटा जैसे बाप दिया, कितना कितना कलाक बापा बटेटा बाप है, नहीं रहते बाप दिया। अच्छा, तो बटेका की तरह इसको पानी में डाल के कुकर सीटी मार दिया है, कितना सीटी मारा है? दो तीन सीटी मार दिया है। अभी इसका जो ये ऊपर का जो स्किन है वो निकालने में आएगा, शक्करिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शकरगंदी ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना मम्मी? कल को भाई बहुत सारे 2000 कमेंट होने वाले हैं कल के वीडियो में, मतलब ये महीने का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमेंट। कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, उगांडा, मतलब इधर केरला, तमिलनाडु, उधर हैदराबाद, ओहो इतने सारे लोग, जामनगर, उधर राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, कुंडला, अमरेली, मतलब ओहो हो हो हो, दिल खुश कर दिया भाई। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट, इतने सारे लोगों ने बहुत सारा अच्छा अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच। हमको जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतने इतने कोने से देखते हैं हमारे वीडियो। अपने कितना लोग ओळखे छे? बहुत बहुत बहुत। हम तो बहुत मोटो परिवार, परिवार से हमारा, कोने कोने में हमारा परिवार है, यूट्यूब का फैमिली। तो दिल से यार थैंक यू। और क्या है ना कि अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये परिवार और बड़ा होगा टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मजे करवाते रहिए और करते रहिए। हम लोग बंद नहीं करेंगे वीडियो डालना। मार्च महीना बहुत बड़ा होने वाला है हमारा, तो वेट फॉर इट। ये शक्करिया को हम आटे की तरह गोंद रहे हैं। आज सफाई करके हो? आज सफाई करके धो के आए हैं मम्मी, एकदम मस्त चकाचक, बराबर ना मम्मी? वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी इसके बाद का प्लान क्या है?
दूध डालना, इसके बाद दूध डालेंगे। वाव, फ्रेश मिल्क, फ्रेश एकदम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, ये गरम है कि ठंडा है कि कैसा है? गरम, गरम है, गरम एकदम वार्म। तो गरम दूध इसके अंदर गया और वापिस से इधर इसको और एकदम प्रेम से करेंगे मम्मी के हाथों से, या फिर अपने हाथों से करो तो भी एकदम प्रेम से करने का। तो जो खाने वाला है उस पे प्रेम बरसेगा। हेटकी नहीं आएगी, हेटकी नहीं आएगी, वरना हेटकी आएगी, हेटकी आएगी। बहुत फाइन, याद करेंगे। बहुत फाइन, बहुत फाइन मम्मी। वाओ, बहुत टाइम के बाद हम लोग ये खाने वाले हैं। इसको अभी डायरेक्ट जाएगा ये जाली के अंदर। रेशा बहुत है इसके, रेशे निकालने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करना। हाँ, तो ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं छान, छानिया, छान क्या तुम्हें छानना कहते हैं ना। वाह, हड़ी करवानू बंद करने, हड़ी करवानू बंद करने। वाह मम्मी, बहुत मेहनत लगता है इसमें तो यार। रेशा प्रोग्राम आवे ना तो न भावे। अच्छा, रेशा ओके। तो ये सब जो है बनाया है मिक्सचर, उसको 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 है ना इसके तरके तू बहुत हड़े कर साथ मने खबर पड़े ना क्यों लागे काम के टाइम पे मस्ती नहीं करना। वही काम ज करो। ओके, वो है ना चलती जाती है और पीछे मेरे को ऐसे चीटिया भर के जाती है। कब की वर्क कर रही है ऐसे 15 मिनट से मुझसे ना कुछ चीटिया भरे ना तो वागी जाए। बेटे आप नीचे घर मारे। तो चलिए जी, ये देख सकते हो आप इसके रेशे बाहर निकल चुके हैं, एकदम क्लीन चकाचक हो गए हैं। और नीचे का मम्मी पार्ट दिखा। मम्मी हूँ केरू, मम्मी ऐसा चिटिया पेरो हूँ। क्या चिटिया पेरो? पाचल, पाचल चिटिया पेरो ने हम पे डैडी भरे मम्मी चिटियो। हाँ। क्या पाचल जावा क्या छे जल्दी पाचल छे। ओए तू आ नाना छोकरा ने जेम करो छो। चलिए तो ये था है मॉडर्न होता है मम्मी। आई लव मम्मी, आई लव जेदी, सॉरी जेदी ब्रो मरा सॉरी। दूध ला सारी का मम्मी, मत फोन आ रहा है जाए से मम्मी। मैं फोन मारा हाथ मत नहीं। फोन क्या गयो, क्या गयो? अच्छा तो इसके अंदर अब बस बस थोड़ा थोड़ा मिल्क जा रहा है। वाओ, किसी का फोन लग रहा है, बज रहा है। और अभी मम्मी का मूड बहुत अच्छा होते जा रहा है बिकॉज इसमें बहुत सारे रेशे है और हमारा नगर इधर चालू ही है। मैम है मम्मी बोलो आवा से करे छीन किन के पड़ा रहती तो माता पापा लाईवा से छीनवाई गेला बताय आवा मुड़े नो बनावाय जो बोली रहो तू सारा मुड़े खावानो बनावाय दिल थी बनावाय दिल थी बनाव छो भोक नो गुस्सो भोक ने ऊपर नो कटाय 90 रुपए के 2 किलो सकरिया लेके आए हैं पापा पूरे रेसे वाले और मम्मी का मूड देखो इधर। तो अभी क्या बोलना चाहते हो आप? ये मेरे कैमरे के लेंस पे भी उड़ के आया है। मम्मी से ने बहुत खींचा है, बहुत खींचा से ने छाया में पग आवी गयो छे। छाया એટલે મમ્મી એટલે એવો કે છાયા થોડો કવલ હર કો કર હેમો પગ થઈ ગયો છે વળી ગયો છે મમ્મી ને વળે છે કે વળગાણ વળી ગયો છે મમ્મી કો વળગાણ હુઆ હે તો મમ્મી કલ સે મમ્મી કલ સે સબ કે ઉપર સબ કે ઉપર તાટક રહે હે इसीलिए कल के वीडियो में मम्मी कम आए थे तो अभी हमें पता नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। अभी मम्मी सब कर यहाँ पे त्राट के सब पता बहुत वखाण करन मम्मी ने मगज बहुत तेज न क्यारक क्यारक बोलवो पड़े ने भाई तो क्यारक नहीं क्यारक बोलते हैं ना पूरा साल का एक साथ बोलते हैं मम्मी। अंदर जो दूसरी आत्मा घुस गई है ना वो हमें निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। वडिल को लेके तने के भाई ज्यादातर मेरे साथ तो कल से हो रहा है और ये दूध जाते जा रहा है। ऐसा ऐसा नहीं लगना थी बहुत डर सड़ा तो बस। हाँ, तो ये अभी से लेंस साफ करना पड़ेगा, लेंस में कचरा आ गया है थोड़ा। ओ मम्मी खोटा रूचा काटवा मेहनत करे मम्मी रूचा से ने सारी कल वो पावे ले 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 रूचा खिला सारी का को रूचा होए ने मम्मी सवारे जावा में हारू रे आहा हा हा वो गड़बड़ गयो सर सासू ने कहवाय
કે વળકાર વળગ્યો છે એમ નું કહેવાય નું કહેવાય તો નહીં વળ્યો दिखा रहे है काम भी करते जा रहे है और झगड़ा भी करते जा रहे है मीठा झगड़ा सासू वहू का बहुत ज्यादा अच्छा डिटेल में रूचा जता रही है इसके बाद का क्या स्टेप है मम्मी अभी ये फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है हमारा आई थिंक अभी जितना भी है वो सब रेसा निकल चुका है और लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया है और अभी इसके और ये जो चावड़ा है वो दूध से आपको उटकना है हाँ मम्मी है तो पण कैमरा नो लेंस बेंस बधु बगाड़ी हरखो करू हूँ मम्मी यार तो जी दोपहर के बनने वाले 12 और यहाँ पे मम्मी ने इसको रख दिया है ये गैस के चूल्हे पे इसके ऊपर ये मम्मी क्या क्या डाल रहे हो अभी दूध मलाई वाला दूध डालती है मलाई वाला दूध वापिस से डाल दिया है इसके ऊपर आई थिंक ये 5-6 लीटर हो गया होगा पूरा तो नहीं मालूम दूध तो 2 लीटर तो गया होगा 2 लीटर मिल्क गया है और शक्कर या जो हमारा है शक्करकंदी जो भी है वो और वो भी मस्त गरम गरम हो रहा है स्लो गैस पे अभी इसके ऊपर क्या जाएगा मम्मी इसको कितनी देर तक ऐसे वो करने का है गरम मिक्स हो जाए ना मिक्स हो जाए तब तक ठीक है चलिए इसको मिक्स हो जाए तब तक ऐसे 15-20 मिनट तो लगेगा हाँ और इसको है ना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखने का है और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं रबड़ी जो होती है ना एकदम वो जो क्या बोलते हैं मिक्स फ्रूट ड्राई फ्रूट रबड़ी शादियों में होती है वो रबड़ी जैसा होना चाहिए इसके अंदर जा रही है ये शुगर ओ मम्मी मम्मी ऑलरेडी मीठू ना हो मीठी हो दूध ने बाटो तो मोड़ पड़ जाए ना इतनी बड़ी थोड़ी गली तो इसके अंदर गया है आई थिंक 5 या 6 नहीं 10 चम्मच जितना शुगर गया है क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर जा रहा है हमारा घर का एकदम स्वादिष्ट देसी घी मस्त मिक्स करते रहने का और जब तक ये बराबर होता है तब तक आपको स्लोली स्लोली धीमी आँच पे गर्म होने देने का है तो ये है हमारा महाशिवरात्रि का स्पेशल खीर शक्करकंदी की खीर बता अलग अलग रीते बनावे जय देव हाँ ये हमारा एकदम सिंपल मेथड है बहुत मस्त लगे बहुत फाइन ये देखो तो जी 5:20 हो चुकी है वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम द हाउस अभी अपडेट ये है कि हमारा बहुत बढ़िया सा प्लान बन गया है हैवी वाला कहीं पे जा रहे हैं नाम नहीं बताऊंगा कल रात को आपको पता चल जाएगा कल के वीडियो में गेस करते रहो हम कहाँ जा रहे हैं एकदम हैवी वाला मतलब मम्मी को तो खुश हो गई है किधर जाने का है मम्मी दर्शन करो किधर दर्शन करने का है बोलने का नहीं है ये मेरा भाई देखो भाई भी आ रहा है हेजल भी आ रही है मम्मी भी जा रही है पापा नहीं आ रहे बिकॉज पापा को इधर बहुत काम है ऑफिस का भी और व्यवहार का भी और घर का भी थोड़ा काम है वाड़ी का भी थोड़ा काम है तो पापा नहीं आएंगे पर हम 4 जाएंगे इन इज़ गोइंग टू बी रियली गुड ट्रिप 4-5 दिन का ट्रिप है और मौज करेंगे और करवाएंगे ठीक है तो आज मम्मी आपके लिए लेके आई है बहुत अच्छा सा भजन चश्मे पहन के लगा के बजाएगी भजन गाएगी भजन आज कौन सा भजन आएगा आपका काल शिवरात्रि का भजन गाएंगे चलिए गा लीजिए थोड़ा जोर से गाने का तो इसमें आवाज अच्छा आता है धन शिवरात्रि शिवरात्रि करिए तो कैलाश पामिए मारे गंगा काटे जाऊँ से मारे यमुना जी मानाऊँ से मारे कैलाश माजई रे धन शिवरात्रि धन शिवरात्रि शिवरात्रि करिए तो कैलाश पामिए जेणे शिवरात्रि ना व्रत कीधा तेना जीवन सर्वे सफल कीधा भोळाए पोताना मानी लीधा से धन शिवरात्रि धन शिवरात्रि शिवरात्रि करिए तो कैलाश पामिए वाह मम्मी वाह शिवरात्रि करिए तो कैलाश पामिए बहुत ज़्यादा अच्छा आज का भजन और इसी के साथ कल शिवरात्रि का माहौल है और कल हमारा ट्रैवल भी है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ सब पैकिंग बैकिंग करेंगे हेजल भी एक्साइटमेंट है हेवी है हेजल आपने क्या जाना है काले बेटा
જય જય કરવા જવાનો છે હોટેલમાં રોકાવાનું છે હોટેલમાં રોકાવાનું છે પછી ક્યાં જવાનું છે ટ્યુશનમાં રજા છે ટ્યુશનમાં રજા છે પછી ક્યાં જવાનું છું ટ્યુશનમાં રજા છે એક તો મોજ પડ ગયા ટ્યુશનમાં ચાર દિન કા રજા હે ને એ બીવી કુર્તી વાલી કેટના હે એક્સાઇટમેન્ટ તેરે કો હમે તો એક્સાઇટમેન્ટ રહેતા હી હે ના ફૂલા કે ફાળકા હો ગયે હે ઇધર ભેળ બન રહી હે ઉસી કે વો ખુશી મે क्योंकि पैकिंग वैकिंग तो अभी साइड पे रह गया है इधर अब डाइट भी हमने छोड़ दिया लियो, लियो, लियो। पूरा किया किया ही कब था जब से डाइट किया अच्छा अच्छा ही खा रहे हैं चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा गोवा का फोटोज जो हनीमून का फोटोज था कहाँ से स्टार्ट किया जाए बता चल इसके साथ हम जब बातें करते हैं ना बैकग्राउंड में फोटो आते जाएंगे ऐसा करते हैं नया कुछ दिखाते हैं चल पहले तो ट्रेन में जा रहे थे वो हाँ हम लोग ट्रेन में इधर से निकले थे सूरत टू गोवा यस रात के 1 बजे की ट्रेन थी वो भी लेट थी तो 2 बजे तक आई थी हाँ तो उधर पहुँचते ही हम लोग ने एंट्री लिया था सन प्राइड विलेज होटल था और हमारा पहला माना जाता है शादी के बाद जब पहली बार हम लोग बस कपल बाहर निकले थे तो एक्साइटमेंट लेवल कपल थे हाँ शाय थे एक्साइटमेंट भी अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हम लोग कहाँ कहाँ घूमे वो बहुत सारी जगह पे गए थे कसिनो में गए थे हाँ कसिनो में हम लोग राउंड मारने ऐसे ही गए थे क्रूज में गए थे फिर क्रूज के साथ पे इंटरनेशनल डिनर किया था हमने जो बिल्कुल बकवास था क्रूज के नाम होटल में रहे थे उसका खाना तो इतना अच्छा था ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड थे ब्रेकफास्ट इतना खा के जाते थे ना डिनर तक हमें भूख ही नहीं लगती थी पूरा पैसा वसूल किया था और हमको क्रूज के नाम पे पता नहीं किस में ले गए थे पूरा बुफे लगा दिया था और पूरे मतलब कपल ही कपल थे सब उसके बाद हम लोग गए थे चर्च में पापा जा रहे ऑफिस पे पापा हाँ जी हम लोग कल निकल रहे हाँ नाउ बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एंजॉय योर जर्नी ओके पापा थैंक यू पापा ओके वेलकम आप क्यों नहीं आ रहे हो पापा मेरे को थोड़ा कारोबार है ना हाँ बहुत सल्टाने की जरूरत है बहुत सारा काम है तो पापा नहीं निकल सकते है तो कहीं नहीं पापा तो चलिए अभी पापा को तो फ्री कर देते हैं अभी गोवा का ट्रिप कंटिन्यू करते हैं उसके बाद हम लोग गए थे चर्च में जाके आए तो उसके बाद में हम गए बीच में जाके आए उसके बाद गए थे बहुत अच्छी जगह पे सब जगह का फोटो रख रहा हूँ स्लाइड में देख लीजिए और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए माथे घुसी जाओ बाय बाय।